ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस की लॉन्चिंग टाउन हॉल हमीरपुर में हुई। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। संस्था के चेयरमैन अमरजीत ने यहां पहुंचने पर पदाधिकारियों को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विजय चौहान ने शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस विधिवत रूप से लॉन्च हो गई। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। संस्था द्वारा 3 जिलों के 75 महिला मंडलों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में 1221 भारतीय कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। संस्था महिलाओं को स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में जागरूक करेगी। इसके लिए जिला स्तर, ब्लॉक स्तर व पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता कार्य करेंगे। हमीरपुर, ऊना व बिलासपुर जिला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 महिला मंडलों को उनके सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। महिला मंडलों के प्रधान व उप प्रधान को संस्था द्वारा शॉल व टोपी प्रदान की गयी। संस्था के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय चौहान रहे। संस्था के चेयरमैन अमरजीत सिंह ने कहा कि संस्था महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ही संस्था का मुख्य कार्य रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व्यस्त जीवन के चलते अपने स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देती। यही कारण रहता है कि बीमारियां उन्हें अपनी चपेट में ले लेती हैं। महिलाओं को इन बीमारियों से बचने के तरीके तथा स्वच्छता का महत्व समझाया जाएगा। संस्था ने अपने कार्य के कुछ चरण निर्धारित किए हैं। चरणबद्ध तरीके से संस्था कार्य करेगी। प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस स्टेट लेवल की एक संस्था है और हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टोटल हेल्थ एंड सैनिटेशन कैंपेन 2019 शुरू करने जा रही है, जिसकी लॉन्चिंग हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय ठाकुर जी की कार्यक्रमों द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान और प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति उनके घर द्वार पर जाकर जागरूक करना है। इसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की हर पंचायत में 2 महिला कार्यकर्ताओं को भारती के नाम से नियुक्त किया है। उनको उनके घर गांव में स्वरोजगार प्रदान किया है। समाज सेवा के उद्देश्य से अपनी संस्था के साथ जोड़ा है। मेरी भारती बहनें मेरी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी माताओं बहनों को उनकी शारीरिक स्वस्थता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगी। मेरी जो संस्था है हिमाचल प्रदेश अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस संस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश स्तर पर पंजीकृत है और ये जो प्रोजेक्ट हम आज इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है ये प्रोजेक्ट हमारी संस्था ने अपने स्तर पर शुरू किया है।